Hello, students. I am Anuj Kumar, your English teacher. I am once again with you. And yesterday I taught you the lesson The Bubble, the Straw, and the Shoe. The Bubble, the Straw, and the Shoe. And this is chapter number 4 of your book, Marigold, your English book, Unit 2.

रिवर आ जाती है एंड दे आर टू क्रॉस द रिवर उन्हें रिवर को क्रॉस करना है बट दे डोंट नो हाउ टू क्रॉस इट उन्हें नहीं पता है इसे कैसे क्रॉस करेंगे देन जो शू है वो कहता है शू सेड कि बबल लेट्स फ्लोट ऑन यू हम तुम पर तैर कर पार हो जाएंगे और तुम जो है हमें पार ले चलो लेकिन जो बबल है वो कहता है नहीं ऐसा करते हैं कि लेट अस्ट्रो स्ट्रैच इनसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर जो आस्ट्रो है वो एक बैंक से यानी बैंक मीन्स नदी का किनारा एक नदी के किनारे से दूसरी नदी के किनारे तक जो है वो स्ट्रेच कर लेगा अपने आप को और हम इसके ऊपर से होते हुए वापस चले जाएंगे इधर से इधर चले जाएंगे बट जब वो स्ट्रेच करता है वैन ही स्ट्रेच इज बॉडी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर एंड शू जंपड ऑन टू इट वो जो शू है वो इसके ऊपर कूदता है और जैसे वो इसके ऊपर कूदा द स्ट्रो ब्रोक एंड जो स्ट्रो है वह टूट जाता है एंड द शू फॉल इन टू द वॉटर विद आउट स्प्लैश जो शू है वो नदी में गिर गया यू कैन सी हीयर दिस इज द शू एंड फॉल इन टू द रिवर एंड सिंग दिसी से देख के द बबल शूक विद लाफ्टर जो बबल है वो बहुत ज़ोर जोर जो से हंसने लगा एंड बस्ट विद अग बैंग और एक बड़ी आवाज के साथ वो फट गया न स्टूडेंट्स टूडे आयल टीच यू आयल गिव यू विनिंग्स ऑफ द लेसन एंड नंबर वन इज स्ट्रो एस टी आर ए डब्लू स्ट्रो वाट इज अट्रो स्ट्रो इज अ थीन प्लास्टिक पाइप यूज टू शक अ ड्रिंक स्ट्रो जो होता है वो एक थिन प्लास्टिक का पाइप होता है यूज टू सेक ड्रिंक जिससे हम सक करते हैं पीते हैं अ ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक होता है या जैसे जूस होता है उसे हम पीने के लिए एक प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं उसे हम स्ट्रो बोलते हैं ऑलोविनो सब जानते हैं आप लोग एंड नंबर टू इज फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट फ्लोट मीन्स टू मूव स्लोली ऑन वाटर वाटर पर जब हम टू तो मूव स्लोली मूव मतलब धीरे धीरे चलना ऑन वाटर वाटर पर तो फ्लोट एफ एल ओ ए टी टू मूव स्लोली ऑन वाटर वाटर पर स्लोली स्लोली मूव करना उसे हम फ्लोट बोलते हैं यानी तैरना या बहना एंड नंबर थ्री नंबर थ्री स्ट्रेच एस टी आर ई टी सी एच एस टी आर ई टी सी एच स्ट्रेच स्ट्रेच मीन्स टू बिकम लॉन्ग लम्बा बनना यानी खुद को फैलाना या फैलना तो टू बिकम लोंग फैलना या फैलाना स्ट्रेच होता है इन द स्टोरी जो स्ट्रो है वो स्ट्रेच करता है ख़ुद को फ्राम वन बैंक टू अदर एक बैंक से यानी एक नदी के किनारे से दूसरी नदी के किनारे तक वो फैलता है सो द वर्ड स्ट्रैच टू बिकम लॉन्ग एंड स्पलैश स्प्लैश स्प्लैश मीन्स एस पी एल ए एस एच स्प्लैश स्प्लैश एक साउंड है और ये साउंड जो है मेड बाई फॉलिंग इन टू वाटर जब वाटर में गिरती है कोई चीज़ तो उसकी आवाज़ होती है एंड दिस साउंड स्प्लैश यानी छपाक की जो आवाज़ आती है जो छपाक की आवाज़ आती है स्प्लैश की साउंड होती है साउंड मेड बाई फॉलिंग इन टू वाटर छपाक की आवाज़ आना और इन दॉरी वैन शू फॉल इन टू द वॉटर इन टू द रिवर जब वो शूज़ था पानी में गिरा नदी में गिरा ही फॉल इन टू द वाटर विद साउंड ऑफ स्प्लैश वो स्प्लैश की साउंड करते हुए वाटर में गिरानी छपाक की आवाज आई ब्रस्ट बी यू आर एस टी बर्स्ट बर्स्ट मीन्स दिस इज बर्स्ट बर्स्ट मीन्स ब्रेक ओपन मतलब बी यू आर एस टी बर्स्ट बर्स्ट मीन्स होता है फूट पड़ना या विस्फोट हो जाना है ना तो बर्स्ट मीन्स ब्रेक ओपन विस्फोट होना या फूटना वैन इन द स्टोरी स्टोरी में क्या हुआ था when the shoe fall into the water with the sound of a splash a splash ki sound karke jab wo shoe usme gira water mein then the bubble shook and shook with laughter jo bubble tha wo hasne laga zor zor se and burst with a bing bang और वो जोर की जो 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 आवाज के साथ फट पड़ा कौन? bubble जो था. and number next is came c a m e came came arrived a r r i v e d केम केम मीन्स आया और arrived मीन्स आया केम आ पहुंचना कहीं पे जब आप जाते हैं तो गो होता है और कम मतलब आना होता है आना और जाना तो जाना के लिए गो लगाते हैं और आना के लिए कम लगाते हैं तो ये है केम सेकेंड फॉर्म है कम की तो केम केम का अराइड ए आर आर आई वी ई डी अराइड ए डबल आर आई वी डी arrived होता है और आ पहुंचना. तो ये होता है So, केम तो केम केम मीन्स अराइव्ड अराइव मीन्स आ पहुँचना है आ पहुँचा एंड क्रॉस सी आर ओ डबल एस क्रॉस क्रॉस मीन्स टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर क्रॉस टू गो फ्रॉम वन साइड टू गो जाना फ्रॉम वन साइड एक साइड से टू द अदर दूसरी साइड तक जब हम एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हैं तो वो होता है क्रॉस करना जैसे आप किसी रिवर को क्रॉस करते हैं टू गो फ्राम वन साइड टू द अदर नदी के एक किनारे से जब दूसरे किनारे तक जाते हैं तो उसे हम क्रॉस करना बोलते हैं यानी पार करना सी आर ओ डबल एस क्रॉस टू गो फ्राम वन साइड टू द अदर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना पार करना सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन द बबल द स्टो एंड द शूज एंड यू विल Write down these word meanings in your copy, and you will learn the word meanings. Thank you very much.